चलिए बच्चों आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग वैसे तो यही पढ़ रहे थे कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। उसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम उस पर कुछ सवाल भी अगर हो सके तो कर लेते हैं। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि एक सवाल है बच्चों, है ना, तुम लोगों ने शायद कर भी लिया होगा, आसान सा ही था, बट फिर भी मेरे को प्रैक्टिस तो करानी चाहिए ना। तो चलिए सुनिए। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे एक करंट कैरिंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक लूप है जिसमें करंट आई है, ये उसकी एक्सिस है और इसका जो रेडियस है वो आर है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके पास एन है। करंट आपकी तरफ से यूं ऊपर जा रहा है, मेरी तरफ से नीचे जा रहा है, ऐसे करंट यूं जा रहा है तो हाथ ऐसे घुमाओ, अंगूठा आएगा ऐसे, तो पूरी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। अगर मैं सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँगा तो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, हम निकाल चुके हैं, दैट इज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, लगातार मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो घटेगी। ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर आएगी और मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इन लेफ्ट वाले पॉइंट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ भी कहानी मोर और लेस ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, चाहे राइट वाले पॉइंट हो चाहे लेफ्ट वाले पॉइंट हो, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही आएगी। ठीक, अब ऐसे में एक बात और, अगर मैं कभी ऐसा कह दूं कि आपका जो लूप है, आपका जो लूप है उसका रेडियस मान लीजिए बेटा बहुत छोटा है एक्स के कंपैरिजन में, मतलब मैं ऐसा कह दूं कि लूप जो है उसका रेडियस कम है एज कंपेयर टू जिन पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उनकी एक्सिस से डिस्टेंस के मुकाबले, तो उस केस में आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी, देखना बच्चों, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर ले दिया क्योंकि एक्स बड़ा है और आर छोटा है, और ऐसे केस में हम कह सकते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है, बढ़िया, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। कब? सिर्फ और सिर्फ जब आपका जो लूप है वो स्मॉल है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो लूप के जो रेडियस है उसके मुकाबले जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो काफी दूर है, तो उस केस में आप हल्का सा ऐसे एक छोटा सा काम मान सकते हो। अब मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के पावर 3 के प्रोपोर्शनल, सॉरी, डिस्टेंस के पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक जगह और आई थी मैग्नेट की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। मैग्नेट के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो भी बड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 3 आई थी। तो एक छोटी सी बात लिखना, करंट कैरिंग लूप एज शॉर्ट मैग्नेट, बहुत ही आसान सी कहानी है, सुनिएगा। आपके पास करंट कैरिंग लूप है मान लीजिए ऐसे, ठीक है, रेडियस वगैरह सब कुछ गिवन है, रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, करंट मान लीजिए ऐसा है, आपकी तरफ से करंट नीचे जा रहा है, मेरी तरफ से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इट विल बी, हमने निकाल ली कि आर के मुकाबले एक्स बहुत बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी दैट विल बी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि इस लूप की जगह ऐसी कोई मैग्नेट होती जिसका नॉर्थ पोल इधर होता और साउथ पोल इधर होती और ऐसा एक शॉर्ट मैग्नेट होता, तो इस शॉर्ट मैग्नेट के कारण
यहाँ से x डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड आती वो ऐसे ही आती, और उस मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया था बच्चों, याद कीजिए, मैग्नेट के कारण या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के कारण हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट याद किया था, दैट इज टू टाइम्स म्यू नॉट अपॉन फोर पाई डायपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस की पावर थ्री। यहां पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस की पावर थ्री के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर थ्री है। तो मैं यहां से ऐसा कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से एक जो करंट कैरिंग लूप है उस करंट कैरिंग लूप को आप एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर मैग्नेट को करंट कैरिंग लूप से रिप्लेस कर सकते हो दूर वाले पॉइंट्स के लिए, दोनों ही के दोनों बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगभग एक जैसे से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो आई वुड से कि दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स एक्स रेस टू पावर थ्री। टू से फोर से टू से बड़ा कैंसिल, एक्स रेस टू पावर थ्री एक्स रेस टू पावर थ्री कैंसिल, म्यू नॉट कैंसिल, पाई को ऊपर ले जाओ और हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई, आई टाइम्स एन पाई आर स्क्वायर। हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया आई टाइम्स एन पाई आर स्क्वायर। एन पाई आर स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इस लूप का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, और अगर ऐसे एन लूप है तो मैं कह सकता हूं कि टोटल एरिया एन टाइम्स पाई आर स्क्वायर है। एक लूप तो एरिया पाई आर स्क्वायर, दो लूप हो तो एरिया आप टू पाई आर स्क्वायर, तीन लूप हो थ्री पाई आर स्क्वायर, एन लूप हो तो एरिया आप बोल सकते हो एन पाई आर स्क्वायर। और आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी सिंपली करंट इनटू एरिया, विल बी सिंपली करंट इनटू एरिया, ये n टाइम्स पाई आर स्क्वायर उसका एक्चुअली एरिया है। एक लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो n लूप्स का हम एरिया n टाइम्स पाई आर स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग सर्किट हुआ, सर्कुलर लूप होना जरूरी नहीं है, कैसे भी किसी भी शेप से ज्योमेट्री का हुआ, तो आप उसे एक शॉर्ट मैग्नेट की तरह मान सकते हो, और उस शॉर्ट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा करंट मल्टीप्लाइड बाई उस लूप का एरिया। मैं इस बात को फिर से स्टेट कराता हूँ, हो सकता है कि हल्का सा आपको कन्फ्यूजिंग लगा हो, तो चलिए सुनिएगा। अगर आपके पास इस तरह से एक लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, करंट अगर i है, ये आपकी एक्सिस है, और जो रेडियस है वो आपके पास आर है। तो देखिए करंट है यू, जो डार्क वाली साइड है ना, ऐसे में जो ड्रॉ कर रखी है उसमें करंट ऊपर की तरफ है, इधर नीचे की तरफ है, तो करंट जा रहा है ऐसे, तो हाथ घुमाओ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एक मैग्नेट से, ऐसी मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, जिसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, क्योंकि इस लूप के अंदर करंट जा रहा है ऐसे, आपकी तरफ से ऊपर मेरी तरफ से नीचे, तो करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यूं आएगी, तो नॉर्थ पोल इस तरफ और साउथ पोल इस तरफ, आप इसको मैग्नेट मान सकते हो, इस लूप को मैग्नेट मान सकते हो, और उस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी करंट, कितना इसमें आई इंटू एरिया, एरिया विल बी एन टाइम्स पाई आर स्क्वायर, n टाइम्स पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास ये लूप हुआ और इसमें करंट अगर ऐसे हुआ, करंट i है, रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हुए, तो अगेन इसको मैं एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकता हूं, और ऐसी मैग्नेट से रिप्लेस कर सकता हूं जिस मैग्नेट का मैग्नेट डायपोल मोमेंट होगा करंट इंटू एरिया। लेकिन सर नॉर्थ पोल किधर और साउथ पोल किधर, बड़ा ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, आपकी तरफ से करंट नीचे, मेरी तरफ से करंट ऊपर ही हो, और करंट है ऐसे, तो हाथ घुमाओ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगी ऐसे, तो आप इसको एक शॉर्ट मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर,
एंड इट विल बी लाइक दिस, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स करंट इनटू इसका एरिया, इसका एरिया एन टाइम्स पाई आर स्क्वायर लिखे, एक लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर लिखे, तो एन नंबर ऑफ लूप्स हो तो एन पाई आर स्क्वायर लिखे, सिंपल सी बात है। इसको कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज करंट इनटू एरिया वेक्टर, कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज करंट इनटू एरिया वेक्टर। सर ये एरिया वेक्टर किधर होता है, जैसे सुनो अगर आपके पास ये लूप है ठीक, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो ये तो हो गई वो सरफेस, एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब करंट अगर यूं जा रहा है तो ये तो सरफेस है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, देन आप बोलो सर सरफेस के परपेंडिकुलर भी दो है, सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है, एरिया वेक्टर किधर मानोगे, बेटा एरिया वेक्टर मानूंगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे मानूंगा, सुनना करंट जा रहा है ऐसे, सॉरी करंट जा रहा आपकी तरफ से ऊपर मेरी तरफ से नीचे ऐसे, तो हाथ घुमा लो ऐसे, अंगूठा आएगा इस तरफ, इसी तरफ आपका एरिया वेक्टर है, इसी तरफ आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और इस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर माने आप इस तरफ, और जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरफ एरिया वेक्टर है उसी तरफ आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसी तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इस बात का मतलब ये है कि ये रहा साउथ और ये रहा नॉर्थ, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, और मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट बड़ा कहां से कहां होता है, साउथ टू नॉर्थ। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग लूप ऐसे हुआ और मान लीजिए कि उसमें से करंट यूं जा रहा है ऐसे, अब इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, आप बोलोगे सर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर तो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, क्या करें, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ हाथों को कर्ल कर दो, करंट आ रहा है आपकी तरफ से नीचे मेरी तरफ से ऊपर, बड़ा डार्क वाली साइड आपकी तरफ है, आपकी तरफ से नीचे मेरी तरफ से ऊपर, करंट आया ऐसे, हाथ आया ऐसे, अंगूठा आ गया ऐसे, अंगूठा आ गया ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, मैग्नेट डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ, और आपका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर किधर माने, तो आपको वैसे इसका एरिया वेक्टर इधर नहीं मानना है, इसका एरिया वेक्टर इधर मानना है, और जिस तरफ आपने एरिया वेक्टर माना है उसी तरफ आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और उसी तरफ ऑफ कोर्स इस डाइपोल मैग्नेटिक डायपोल मान लो या फिर करंट कैरिंग लूप लूप मान लो, सबके कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ ही है। आई होप हमारा काम चल जाएगा इससे, ठीक है बच्चों आगे चलते हैं, बढ़िया है। तो हम इस तरह से किसी भी लूप को, ये तो बेटा मैंने सारे के सारे एग्जांपल ऐसे लिए, सर्कुलर लूप हो, सर्कुलर ना हुआ और कोई लूप भी हुआ तब भी आप उसको बड़े आराम से मैग्नेट मान सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, करंट इनटू एरिया लिखना है, ठीक है, और एरिया वेक्टर किस तरफ लेना आपको हल्का फुल्का आइडिया तो लग ही गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर वायर है, ये रेक्टेंगुलर वायर है जिसकी विड्थ b है, लेंथ l है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है, आपकी तरफ से करंट ऊपर आ रहा है फिर यूं, फिर मेरी तरफ से नीचे फिर यूं आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, इसको हम एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि करंट आपकी तरफ से ऊपर फिर यूं फिर यूं फिर यूं, करंट अगर यूं है तो जिस तरफ करंट है उस तरफ हाथों को कर्ल कर दीजिए, अंगूठा आ गया इस तरफ, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इसी तरफ आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ आएगी, एंड यू कैन रिप्लेस इट बाई ए मैग्नेट हूज नॉर्थ पोल विल बी लाइक दिस, साउथ पोल विल बी लाइक दिस, एंड हुज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी करंट इनटू इसका एरिया, एरिया विल बी एल इनटू, ओ सॉरी
एल भी तो सिर्फ और सिर्फ एक लूप का एरिया है, ऐसे अगर एन नंबर ऑफ लूप्स हैं तो एरिया क्या लिखेंगे, एन टाइम्स एल। ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एंड वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे हो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही। फेयर इनफ। आगे चलिए, आगे चलते हैं बच्चों। ये अच्छा पॉइंट था, बड़ा काम आ सकता है हमारे कभी, है ना, बार बार अलग अलग जगह काम आ सकता है, इस तरह का पॉइंट था ना, इस तरह के पॉइंट तुम्हारे बेटा यूजफुल हो सकते हैं। इस पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ यार, है ना, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। आपके पास है ना इस तरह का अरेंजमेंट है, इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी। अब सुनना बात को, हमने ना कुछ तार ले रखे हैं, वायर, ऐसे वायर ले रखे हैं जिसमें ऊपर क्लैडिंग है, क्लैडिंग है मतलब कवर है, कवर है, जैसे सिंपल तार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ऑब्वियस बात है कि सिर्फ और सिर्फ कॉपर का वायर ही थोड़ी होता है, कॉपर के वायर के ऊपर क्लैडिंग भी तो होती है, ठीक है, तो तार है क्लैडिंग वाला और वो हमने ऐसे लपेट रखे, यूं चलाते चलाते चलाते, यूं चलाते चलाते चलाते, यूं लपेट रखे बिल्कुल टाइटली, एकदम टच करते हुए, बस दिखा नहीं, टच करते हुए, बड़ा टच टच करते हुए दिखाऊंगा तो फिर वो डिस्क टाइप नजर आएगा, है ना, बल्कि हमने बिल्कुल टाइटली कर रखा है, बिल्कुल टच कर रखा हमने इनको, ठीक, ऐसे टाइटली, वो बिल्कुल टच कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने का थोड़ा दूर दिखा रहा हूं, यू बिल्कुल, बिल्कुल टाइटली एकदम ऐसे ऐसे, बड़ा अपने स्पाइरल टाइप से सारे के सारे तार ऐसे कर रखे, यू करते 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 करते, यू करते 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 अपने यहां तक कर रखे। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है और इस सारे के सारे तार में जो करंट है मेरे बच्चों वो आई है, करंट आई है और यहां से यहां तक कुल मिलाकर ना कैपिटल एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में वो कैपिटल एन है, ठीक है, करंट जा रहा है बेटा ऐसे, ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालो, बिल्कुल निकालेंगे। आप बोलोगे सर सारे के सारे तार्स का जो एरिया था, जैसे मान लो कि आर रेडियस का लूप बना रखा होता, आर रेडियस का अगर लूप बना रखा हो तो मैं लिख देता एन टाइम्स आई पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर कुछ एक ने लूप बना रखा है पाई ए स्क्वायर रेडियस का, कुछ एक ने एरिया बना रखा है लूप का पाई बी स्क्वायर और बाकी सबका एरिया पाई ए स्क्वायर और पाई बी स्क्वायर के बीच में है, सर सबका एरिया तो बराबर नहीं है। अरे भाई जब सबका एरिया बराबर नहीं है तो सिर्फ क्या रास्ता बचा, इंटीग्रेशन, वही तो आता है मैं, तो हम क्या करेंगे कि हम यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जाएंगे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जाएंगे और ऐसे एक कट लगाएंगे, पहला कट एक्स पे तो अगला कट एक्स प्लस डी एक्स पे, अगला कट x प्लस डी एक्स पे,
अगला कट x प्लस डी एक्स पे, और सिर्फ इस लूप की चिंता करो, और सिर्फ इस लूप का कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है सिर्फ उसकी चिंता करो, बाकी सब हो जाएगा। मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूं। हमने क्या कर दिया, सेंटर से x डिस्टेंस दूर गया और ऐसे कट लगाया, अगला कट लगाया x प्लस डी एक्स पे, ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ ना कुछ तार होंगे ऐसे जिसमें करंट जा रहा होगा I, ठीक है, करंट जा रहा होगा I, करंट जा रहा है I, तो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ उंगलियां कर दो, कर्ल अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो बाहर की तरफ, और वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा देखते हैं। सबसे पहले बताओ कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, सुनना बेटा, ये जो यहां से यहां तक की थिकनेस है, ये थिकनेस है बी माइनस ए, बी माइनस ए थिकनेस के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, तो डीएक्स थिकनेस के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डीएक्स। इनकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, इनकी वजह से कुछ छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, उसको मैंने डीएम लिख दिया। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स इज एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डीएक्स इंटू करंट इंटू एरिया। इसका एरिया लिखने में दिक्कत नहीं है, इसका एरिया तो पाई एक्स स्क्वायर। सर पूरे का एरिया लिखने में दिक्कत थी क्या, हाँ उसमें दिक्कत थी, क्योंकि कुछ लूप्स के लिए एरिया पाई ए स्क्वायर था, कुछ के लिए पाई बी स्क्वायर था, बाकी सब के लिए पाई ए स्क्वायर और पाई बी स्क्वायर के बीच में था, इसीलिए तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा नहीं पाया है कि नहीं। अब तो हो जाएगा, तो मेरे बच्चे बनाएंगे सर आपने तो सिर्फ और सिर्फ इन इतने से तारों की वजह से ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाली है, जैसे इनकी निकाल ली है वैसे ही सबकी निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो और जोड़ लो। सर तो वेक्टर क्वांटिटी है, जोड़ने में कुछ हमें ध्यान नहीं देना क्या, ध्यान दे लो, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सब में ही करंट जो आएगा वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और सबकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे बाहर की तरफ आएगी, तो सबकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही तो ऑफकोर्स हम जोड़ तो सकते ही हैं। तो आप कह सकते हो कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी एन बाहर बी माइनस ए बाहर आई बाहर पाई बाहर और हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की वैल्यू को कहां से कहां तक वेरी करें, आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू को मैं वेरी कर सकता हूं ए से लेकर बी तक, यहां पर एक्स की वैल्यू ए यहां पर एक्स की वैल्यू बी, और हमारे पास एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, थ्री नीचे ले आता हूं, दैट इज बी रेस टू पावर थ्री माइनस ए रेस टू पावर। चलिए बच्चों और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते, बाकी बड़ा आपका ये आंसर है। आई रियली होप सब बच्चों को बड़ा समझ तो आ ही गया होगा, बहुत इतना टफ काम तो ये था नहीं, ठीक है आगे चलते नेक्स्ट। तो इस तरह से मान लीजिए बेटा कभी सिस्टम थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स हुआ तो आप बड़े आराम से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने से आपको फायदा क्या हुआ, मतलब इस कॉन्सेप्ट में कोई खास बात है क्या। हाँ हो सकता है कि कुछ सवाल करने में ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट काम आ जाए, और जैसे मैं एक छोटा सा सवाल कर दिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि यहीं पे काम आएगा, आगे जाकर काम आ सकता है, ठीक है। तो सुनना एक छोटा सा सवाल है, आपके पास ये कोई एक्सिस, इसमें एक छोटा सा लूप ऐसे सर्कुलर लूप, रेडियस आर वन, करंट I1, नंबर ऑफ टर्न्स N1, ठीक है, रेडियस बहुत बड़ी नहीं है। इसी तरह से ये दूसरा लूप, इसमें भी करंट S है, रेडियस इसका R2, नंबर ऑफ टर्न्स इसके पास N2,
और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, और x की जो वैल्यू है वो R1 R2 से खूब बड़ी है। जो x है इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R1 और R2। R1 और R2 से हमारा जो x है वो बहुत बहुत बड़ा है। सवाल ये है, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज लूप्स, इन दोनों करंट कैरिंग लूप्स के बीच में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, वो हमने आपसे पूछा है। चलिए बच्चों करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि सर आपने तो जब से ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तब से सर मैग्नेटिक फील्ड निकालने पर हमारा स्ट्रेस रहा है, सर अभी तक मैग्नेटिक फोर्सेस निकालने में हमारा कोई खास इतना इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं है, कोई इक्का दुक्का सवाल शुरुआत में मैग्नेट वाले छोड़ दो तो हमने मैग्नेटिक फोर्सेस की बात की ही नहीं है। सर हमने तो मैग्नेटिक फील्ड की बात की है, ना तो आपने हमें कोई मैग्नेटिक फोर्सेस का फॉर्मूला उन्होंने सिखाया। सर हमें नहीं लगता कि आपने जितना पढ़ा है उससे सवाल बन पाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इन दोनों लूप्स को हटा दो और इन दोनों लूप्स को शॉर्ट मैग्नेट से रिप्लेस कर दो, और आप जानते हो कि करंट कैरिंग लूप को हम शॉर्ट मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, शायद तब हो जाए। तो देखना इस लूप में करंट है ऐसे, करंट है ऐसे, तो हाथ घुमाओ ऐसे, एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा इस तरफ। यू कैन रिप्लेस इट बाय ए मैग्नेट हुज नॉर्थ पोल विल बी लाइक दिस, साउथ पोल विल बी लाइक दिस। सर डिसाइड कैसे किया कि इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, बड़ा बताया ना, करंट है ऐसे तो हाथ घुमाया ऐसे, तो एरिया वेक्टर इस तरफ, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इस तरफ, तो इधर साउथ इधर नॉर्थ। और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने एम वन लिख दिया है। मैं मन ही मन जानता हूं कि एम वन की जो वैल्यू है वो है एन वन टाइम्स पाई आर वन का स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, इसी तरह से इस लूप को भी एक मैग्नेट से रिप्लेस कर दो। कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं। इस लूप में अगेन करंट यूज आ रहा है, ए ऐसे घुमाया, बड़ा एरिया वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ, और ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसको मैं एक शॉर्ट मैग्नेट से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर, और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा वो एम टू आएगा, और एम टू की जो वैल्यू होगी, मेरे बच्चे कहेंगे सर इसकी वैल्यू होगी एन टू टाइम्स एरिया, एरिया एक लूप का कितना है पाई आर टू का स्क्वायर इंटू करंट। अरे बेटा करंट इसमें आई वन है तो इसमें आप आई टू मान लेना, ठीक है, वो दिया हुआ है। अरे बेटा यहां पर आई वन लिख लो, यहां पर आप आई टू लिख देना। अब भूल जाओ कि ये वाला सवाल था, भूल जाओ, भूलना तो आसान है, कर लेगा तुम लोग, ठीक है। तो इन दोनों को भूल जाओ और इन दोनों को रिप्लेस कर दिया हमने दो मैग्नेट से जो इस तरह से एक दूसरे से एक्स डिस्टेंस पर पड़ी है। बड़ा याद करो ये वाला सवाल, मैंने आपको क्लास में करा रखा है कि जब भी दो शॉर्ट मैग्नेट इस तरह से एक्स डिस्टेंस दूर होंगी तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा, देखना इसका साउथ और इसका नॉर्थ एक दूसरे की तरफ है, तो ऑफकोर्स एट्रैक्टिव फोर्स आएगा, और उस एट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू होगी, बड़ा दैट विल बी, पता नहीं बेटा आपको याद है या नहीं है, सिक्स टाइम्स म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम वन एम टू अपॉन एक्स रेस टू पावर फोर, दैट इज सिक्स टाइम्स म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम वन, दैट इज एन वन पाई आर वन का स्क्वायर आई वन इंटू एम टू, दैट इज एन टू इंटू पाई आर टू का स्क्वायर इंटू आई टू डिवाइड बाई एक्स रेस टू पावर फोर। ये हमारा आंसर है। हमें और कोई तरीका तो आता ही नहीं था, है कि नहीं? हमें और कोई बात तो आती नहीं थी, हमें तो बात ही इतनी सी आती थी। ठीक है, चलेगा, बढ़िया का बढ़िया। तो इस तरह से हम किसी क्या कहते हैं बेटा इसको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग लूप को, और इस तरह के सवाल हम बड़े आराम से बना सकते हैं। अगर वैसे करना होता प्रॉपर तरीके से तो ऑफकोर्स हमने अभी तक इस तरह की पढ़ाई नहीं की है कि हम प्रॉपर तरीके से इस तरह के सवाल को कर पाए, अभी तक तो नहीं किए, बाद में देखेंगे धीरे धीरे, है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलिए बच्चों, आगे चलते हेडिंग लिखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट, ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट। सिचुएशन सुनना बेटा आराम से। सिचुएशन इस तरह की है कि आपके पास एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, ये मैंने उसका क्रॉस सेक्शन बना रखा है, इधर बेटा इन्फिनिटी तक है, इधर भी इन्फिनिटी है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है सिर्फ, है ना, बाकी जो शीट है ना वो तो ऐसे इस पूरे के पूरे प्लेन में है। ये तो सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन, बाकी ये शीट तो ऐसे इनफाइनाइट तक है, ठीक है। इस शीट में जो करंट जा रहा है वो ऐसे अंदर की तरफ, पूरी शीट में ऐसे करंट जा रहा है अंदर की तरफ, मैंने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस मतलब करंट इज इनवर्ड्स, बाकी इधर भी अंदर की तरफ, मैंने दिखाया नहीं इधर बट है अंदर की तरफ, तो इनफाइनाइटली लार्ज शीट है और उसमें करंट जा रहा है ऐसे, थिकनेस इसकी फाइनाइट है, ठीक है, और जो करंट है उसका करंट पर यूनिट लेंथ मुझे दे रखा है कि K इज बेसिकली करंट पर यूनिट लेंथ, और ये हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर करंट गुजर रहा है, और उस करंट पर यूनिट लेंथ की वैल्यू बेटा मुझे दे रखी है स्मॉल K, ठीक है। अब मुझे ना यहां से कुछ डिस्टेंस ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ से r डिस्टेंस ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैं कैसे बताऊँ, हाँ ऐसे मान लीजिए कि आपके पास ये इनफाइनाइटली लार्ज शीट है बड़ा, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, थिकनेस तो बड़ा ऑफकोर्स फाइनाइट है, इसमें करंट आ रहा है ऐसे, पूरी करंट आ रहा है ऐसे, और करंट पर यूनिट लेंथ कितना है k, मुझे यहाँ से r डिस्टेंस दूर इस एलिमेंट्स किस तरह से चूज करने हैं वो शायद तुम हल्का फुल्का तो समझ ही गए होंगे। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से x डिस्टेंस दूर गया और dx का कट लगाया। अब जरा सोचो तुम इस बात को कि अगर इस इनफाइनाइट शीट में यहां से x डिस्टेंस जाकर एक बार, यहां से x डिस्टेंस दूर जाकर एक कट x पे लगाऊं, फिर x प्लस डी एक्स पे एक कट और लगाऊं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बड़ा, क्या बन जाएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस दूर गया कट लगाया, फिर x प्लस डी एक्स गया और एक कट लगाया, तो मेरे पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बन गया ऐसे ऐसे, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सुनना बच्चों, ये मेरे पास एक तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के पास करंट है के इंटू डी एक्स, करंट क्या था, करंट पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है डी एक्स, तो कितना करंट आएगा के इंटू डी एक्स। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सोचते हैं, करंट है अंदर की तरफ तो अंगूठा कर दिया ऐसे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उस तरफ हथेलियां फैला दी, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं ऐसे, तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, एंड दैट विल बी डीवी। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑफ कोर्स 90, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल अगेन कम्स आउट टू बी थीटा,
फेयर इनफ। इसी तरह से अच्छा ये डीबी लिख तो दे है कितना बेटा, डीबी इनफाइनाइट वायर की वजह से, पता नहीं आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो म्यू नॉट आई, आई की वैल्यू है के डी एक्स अपॉन टू पाई आर। अब एक गंवारों की तरह आर थोड़ी लिख देंगे कि आर को आर ही चिपका दिया। आर का अर्थ क्या था? आर का अर्थ था इनफाइनाइट वायर से दूरी। अरे भाई इनफाइनाइट वायर से डिस्टेंस है जैसा आप देख सकते हो दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फेयर इनफ। इसी तरह से इधर से एक्स डिस्टेंस जाओ, फिर से डी एक्स थिकनेस लो, ये फिर से क्या बनेगा? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में करंट है ऐसे, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये दूरी फिर से कितनी आएगी? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करंट है ऐसे तो अंगूठा है ऐसे, जिस पॉइंट पर निकालना उस तरफ हथेलियां फैला दी ऐसे, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, फिर से वो आएगी डी वी। ये वाला एंगल आपका थीटा, तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आपका वापस से थीटा। जैसा आप देख पा रहे हो DB का cos थीटा, DB का cos तो कैंसिल हो गया, और इस इनफाइनाइट शीट के पैरेलल में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है 2DB का sin थीटा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ऐसे x डिस्टेंस दूर जा जाकर छोटे छोटे एलिमेंट लेता रहूंगा, छोटे छोटे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेता रहूंगा, उन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और जोड़ दूंगा। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूं? इंटीग्रेशन dB करूं, इंटीग्रेशन dB का sin थीटा करूं, या फिर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dB का sin थीटा करूं? कौन सा सही है कौन सा गलत है? आप बोलोगे सर ये गलत है और ये दोनों सही है, बशर्ते हम इनमें लिमिट्स ढंग से लगाएं। अगर आपने सिर्फ dB sin थीटा लिखा है, इसका सिर्फ इसकी वजह से लिखा है, तो ऐसे केस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और अगर आपने 2dB sin थीटा लिख दिया, इसका आपने दोनों का कंट्रीब्यूशन लिख दिया है, और अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन लिख दिया है तो ऑफकोर्स ऐसे केस में लेफ्ट और राइट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लिमिट लगा दो जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो दैट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dB, dB इज म्यू नॉट के dx अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 dB साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज r अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? 2 से आपका 2 कैंसिल, म्यू नॉट बाहर, के बाहर, आर बाहर, पाई बाहर, म्यू नॉट बाहर, के बाहर, आर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा बहुत ही स्टैंडर्ड सा ही इंटीग्रेशन है। x को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? जीरो से लेके इंफिनिटी तक। इट शुड बी म्यू नॉट के आर अपॉन पाई। इसका इंटीग्रेशन बट आई रियली होप आप सबको याद होगा, दैट इज 1 अपॉन आर इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई आर। एक्स को कहां से कहां तक? जीरो से इंफिनिटी, आर से आर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट के अपॉन पाई। बड़ा एक्स के बाद इंफिनिटी रखना, तो टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस एक बार एक्स को जीरो रखना, टेन इनवर्स जीरो। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट के अपॉन पाई। टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज ऑफ कोर्स पाई बाई टू माइनस जीरो, पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट के बाई टू। ये आपके पास इनफाइनाइटली लार्ज शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद रख सकते हो।
हालांकि मैं इसकी डेरिवेशन एक बार और कराऊंगा आप लोगों को, तब किसी और तरीके से। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को यूज करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तो जानबूझ के इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार यूज कराने के चक्कर में आपको इतनी सारी बातें बताता रहता हूँ। सर इसमें आर तो आया ही नहीं, सर इसका मतलब चाहे मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालूँ चाहे यहाँ निकालूँ चाहे यहाँ निकालूँ, एक ही बात है क्या? बिल्कुल। और अगर एक ही बात है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जिस तरह से इन्फाइनेटली लार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ करती थी, उसी तरह से इन्फाइनेटली लार्ज करंट कैरिंग शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगी। आप कह सकते हैं कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, हर जगह सेम है, ठीक है बच्चों, हर जगह सेम। आगे चलिए बेटा, बढ़िया है। नेक्स्ट इज आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज छोटी सी बात बेटा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जिस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी, वैसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे वो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नाम में भले लाइन हो बट इट कैन बी लाइन और इट कैन बी कर्व, ये लाइन भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है। दूसरी बात, उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो दैट टेंजेंट विल प्रोवाइड एस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो, जिस तरफ टेंजेंट होगा उसी तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगले पॉइंट आप लिख सकते हो, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट ऑन इट will provide direction of magnetic field, will provide direction of magnetic field, ये magnetic field की direction थे। आगे चलिए बच्चों, next is जितनी ज्यादा number of lines होंगी per unit area, जिसे हम line density भी कह सकते हैं, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया किसी जगह होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा। कहीं पर नंबर ऑफ लाइंस कम तो ऑफ कोर्स वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी कम, कहीं पर अगर मान लो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ही नहीं इसका मतलब वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो आप कह सकते हो कि पहली बात तो लाइन डेंसिटी का मतलब क्या है, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमने पहले से यूज कर रखे हैं। लाइन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अपॉन ऑफ कोर्स एरिया। लाइन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, आपकी लाइन डेंसिटी अगर कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा, ठीक है, समझ गए इस बात को। ऐसे दो चार छोटी बातें हो रही हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई शॉर्ट मैग्नेट है, बड़ा कोई मैग्नेट है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं दे विल बी लाइक दिस, ये अगर नॉर्थ पोल और अगर ये साउथ पोल,
तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर करेंगी, साउथ पोल में एग्जिट करेंगी, और अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी वो ऐसे होगी, यूं होगी। ऐसे ऐसे अच्छा, ये आ कैसे रही है? ये ऑफ कोर्स यूं चलते 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 ऐसे आ रही है। अच्छा एक बात सुनना, अगर मान लो कि कोई मैग्नेट शॉर्ट हुई, ये मान लो नॉर्थ पोल और ये मान लो साउथ पोल, तो ये लाइन तो चलो ऐसे निकल गई, ये लाइन यूं घूम के ऐसे आ जाएगी, ये लाइन यूं घूम के ऐसे आ जाएगी, अंदर वाले पॉइंट पर तो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही मैग्नेट बड़ी हुई, यही मैग्नेट मान लीजिए बहुत बड़ी हुई, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये मान लीजिए साउथ पोल, अब दोनों में अंतर देखो। अगर ये शॉर्ट मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी और साउथ पे जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्लस क्यू से निकलती थी और साउथ और माइनस क्यू पे जाती थी, वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे जाएंगी। अब जब ये मैग्नेट शॉर्ट था तो यहीं से निकलकर इधर आ गई, तो ऑफकोर्स यहां वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो है, और अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है तो पक्की बात है कि यहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो मैग्नेट के नजदीक वाले पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। लेकिन अगर मान लो आपकी मैग्नेट बहुत बड़ी हुई तो सोचो क्या होगा, यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, साउथ पर एंटर करेगी, अंदर वाले पॉइंट पर अगर देखें तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यूं चलते 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 साउथ से नॉर्थ आएगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड यूं आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड यूं आएगी। अब जब मैग्नेट बड़ी होगी तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली है ये यूं चलते 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 ऐसे आएगी, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यूं चलते 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 ऑफ कोर्स यूं आएगी। सर कहना क्या चाहते हो उससे? बट ऐसे में ये कहना चाहता हूँ कि इस शॉर्ट मैग्नेट के आस पड़ोस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थे, लेकिन इस लॉन्ग मैग्नेट जो है इसके आस पड़ोस में किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। सर ये वाले का क्या हुआ? बेटा अगर मैग्नेट बड़ी होगी तो ये दूर दूर से दूर दूर से दूर दूर से यूं आ जाएगी, और इस कारण से मैग्नेट के बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। शॉर्ट मैग्नेट के आस पड़ोस में आ सकती है लेकिन लॉन्ग मैग्नेट के आस पड़ोस में नहीं आएगी। समझिएगा इस बात को, लॉन्ग मैग्नेट हुई सॉरी शॉर्ट मैग्नेट हुई तो आस पड़ोस वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि लार्ज मैग्नेट हुई तो लार्ज मैग्नेट के इन पॉइंट्स के पास बड़ा कोई बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बहुत छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो हो सकता है कि हम अक्सर कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट कर दें। लेकिन अगर छोटी मैग्नेट हुई तब तो बड़ा यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पहुँच रही है, क्योंकि वहीं से नॉर्थ से निकल के साउथ पे जा रही है, वहीं नॉर्थ से निकल के साउथ जा रहे, तो इस रीजन में और इस रीजन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर लॉन्ग मैग्नेट है तो यू वाली लाइन यू दूर से आएगी, और अगर दूर से आएगी तो ऑफ कोर्स नजदीक वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होंगे, और अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होंगे इट मींस दैट कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। आई होप ये वाली बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी, कोई बहुत इतनी टफ बात भी नहीं थी, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज सोलेनोइड। आराम से सुनना, ठीक है, आराम सुनना। सबसे पहले एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लीजिए,
इस तरह से एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लीजिए, कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। लेट्स से इट्स रेडियस इज कैपिटल आर एंड लेट्स से टोटल लेंथ इज एल। दिस इज योर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। अब इस सिलेंडर पर ना वायर्स को रैप कर दो, लपेट दो। पहली बात तो वायर कैसा होना चाहिए सुन लो। अगेन जो आपका वायर है कॉपर वायर हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन कॉपर वायर नेकेड नहीं होना चाहिए, नेकेड नहीं होना चाहिए। कॉपर वायर आपका होना चाहिए विथ द क्लैडिंग, और ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो कि जो भी हमारी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जितने भी बड़ा वायर यूज कर रखे होते हैं सारे सारे कैसे कर रखे होते हैं, विथ क्लैडिंग। हालांकि क्लैडिंग की थिकनेस कम हो तो और अच्छी बात है, लेकिन विथ कवर होना चाहिए, विथ कवर होना चाहिए। और इस तरह से पूरे सिलेंडर पर लपेट दो, धीरे धीरे ऐसे बिल्कुल आना, चिपका चिपका के, चिपका चिपका के लपेट दो। अब क्लैडिंग है इस कारण से, अगर मान लो तार में करंट गया तो वो यूं नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे तो टच ही नहीं है, सारा करंट कैसे आएगा, यूं जाएगा ऐसे, ऐसे यूं जाएगा, हेलिकल शेप टाइप से आपका करंट जाएगा। और अगर मान लो कि सारे के सारे तार अगर मान लो कि नेकेड होते तो फिर अगर हमने करंट जैसे भेजा तो फिर वो यूं थोड़ी घूमता, उसके पास रास्ता इधर जाने का, सीधा ही निकल जाता। तो आप तारों को टच करा रहे हो लेकिन तार आपके बाहर से किसी इंसुलेटिंग रबड़ वगैरह से, प्लास्टिक वगैरह से वो क्लैड है, मतलब कवर्ड है। और अगर कवर्ड है तो ऑफकोर्स करंट जो वो यूं नहीं जाएगा, सारा सारा तार जो है बड़ा हमने यूं लपेट रखा है, यूं लपेट रखा है, यूं लपेट रखा है, ठीक है। जैसे एक मिनट, सुनना बच्चों, ये तार बड़ा, ठीक है, ये वायर आपका, और वायर में ये आपकी क्लैडिंग है, जो बाहर प्लास्टिक है वो आपकी क्लैडिंग है, तो क्लैडिंग के साथ होना चाहिए। ये आपका आ गया क्या कहते हैं बेटा, सॉलिड सिलेंडर, और आप ना तार को इस तरह से रैप कर दीजिए, इस तरह से रैप कर दीजिए, इस तरह से रैप कर दीजिए। ये बड़ा तार छोटा लिया, आप बड़ा तार लेंगे वो कि पूरा का पूरा रैप हो जाए, इस तरह से तार को रैप कर दीजिए, और जैसे मैंने किया ना वैसे करना है, यूं ऐसे देखो, ऐसे टच करते हुए देखो, ऐसे टच करते हुए, जगह नहीं छोड़नी है, जगह नहीं छोड़नी। अब आपने जगह नहीं छोड़ी, तार को टच करा दिया। अगर यही नेकेड वायर होते तो जैसे करंट एंटर करता वो यूं भाग जाता, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि तार यहाँ, करंट यहाँ से यहाँ भाग जाएगा, क्योंकि वायर तो अंदर है, तो वो सारा सारा तार में जो करंट है वो यूं चलते चलते, यूं चलते 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 चलते, यूं चलते चलते आगे की तरफ आएगा। आई होप आप समझ गए। तो इस तरह से आपको इसमें इनकी बड़ा क्या कहते हैं, इस तरह से रैप करना आपको, ठीक है। और ये तार की बड़ा कोई ना कोई डायमीटर होगी, हालांकि जो एक्चुअल बड़ा हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज़ करते हैं वो तार इतने मोटे नहीं होते, इनकी कोई ना कोई डायमीटर भी होगी, वो डायमीटर भी हमारे पास कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, और आपने वायर लिया और इस वायर को आप लोगों ने ऐसे टाइटली रैप कर दिया। अपना डायग्राम तो ऐसे बनेगा, बाकी कैसे रैप करना है मैं आपको दिखा चुका हूं, बिल्कुल टच करते हुए, इट इज टाइटली रैप्ड, टाइटली रैप्ड। दिस इज वायर, वायर का जो डायमीटर है या जो थिकनेस है मैं वो टी लिख रहा हूं, दिस इज थिकनेस या डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। और आपने इस वायर को इस तरह से टाइटली रैप कर दिया,
ठीक है बच्चों, बढ़िया बात है। इस तरह से हमने टाइटली रैप कर दिया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी तो ये देख रहे हैं कि ये क्या कहते हैं सोलेनोइड है क्या, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, क्या आएगी, तो बात की बात है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सोलेनोइड है क्या। अब सुनना, मान लो कि इस सोलेनोइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो थे वो एन है, कैपिटल एन है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैं एक स्मॉल एन डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन और लेंथ ऑफ कोर्स कितनी है बेटा इसकी, एल, तो एन बाई एल। फेयर एनफ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, ये हमें एक स्टाइल से और आना चाहिए। सुनना बेटा इस बात को, सुनना इस बात को। जैसे सुनना बेटा इस बात को, एक तार की थिकनेस टी थी, दूसरे तार की थिकनेस भी टी, तीसरे तार की थिकनेस भी टी, तो एन तार लगा रखे हैं इस तरह से, एन एक तरह से बेटा टर्न्स है, तो टोटल एन इंटू टी को मैं एन लिख सकता हूं। सोचो बेटा कैसे, एक तार ने, एक तार की थिकनेस टी, दूसरे तार की थिकनेस टी, तीसरे तार की थिकनेस टी 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 टी, और ऐसे एन तार लगा रखे हैं, तो टोटल लेंथ आ गई कितनी, एल। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर इस एन को मैं लिख सकता हूं एल बाई टी, एन को मैं लिख सकता हूं एल बाई टी अपॉन एल, एल से एल कैंसिल। तो कभी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखना हो तो आप लिख सकते हो दैट इज वन बाई टी, ये टी क्या बेटा थिकनेस। बस ध्यान रखना कि इसको टी को मीटर में लिखना है, क्योंकि हम तो सब कुछ एस आई यूनिट में ही करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को आप वन बाई टी भी लिख सकते हो। सर वन बाई टी कैसे लिख सकते हो, एक बार वापस बताऊं, बता दो। मान लो कि एक तार की जो थिकनेस है वो एक मिलीमीटर है, ठीक है, एक तार की थिकनेस है एक मिलीमीटर, ठीक है, तार की थिकनेस है एक मिलीमीटर, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, पांच टर्न, छह टर्न, सात टर्न, नौ टर्न, दस टर्न, दस टर्न मिलकर एक सेंटीमीटर की जगह रोक लेंगे, ठीक है। एक सेंटीमीटर की जगह रोकने में अगर दस टर्न आए हैं तो एक मीटर की डिस्टेंस रोकने में कितने आएंगे, तो हाँ बोलोगे सर एक मीटर में आएंगे, एक सेंटीमीटर में आए हैं दस टर्न तो एक मीटर में आएंगे ऑफ कोर्स दस इंटू सौ, थाउजेंड टर्न, तो दीज थाउजेंड टर्न आर इन वन मीटर, और जितने टर्न एक मीटर में होते हैं उसी को तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और वही इस फॉर्मूले से आएगा। चेक करो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी वन अपॉन टी, टी मैंने आपको कितना बताया था एक मिलीमीटर, तो ऐसे नहीं कि यहां पर एक मिलीमीटर लिख दोगे, आप लिख दो टेन रेस टू पावर माइनस थ्री, क्योंकि एक मिलीमीटर को बेटा मैं मीटर में लिखूंगा तो क्या होगा टेन रेस टू माइनस थ्री, ऊपर गया तो आ गया थाउजेंड, सो दीज आर थाउजेंड नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। तो कभी मान लो कि तार की थिकनेस वगैरह दे रखी हो तो आप बड़े आराम से इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। आगे चलिए, आगे चलिए, अच्छा नेक्स्ट, हमने अभी तक ये डिफाइन किया है कि सोलेनोइड है क्या, ठीक है, सिलेंडर है, कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर अपन ने इस तरह से हेलिकल शेप के अंदर वायर को रैप कर रखा है, और इसमें स्मॉल सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, ये सब बातें हमने डिस्कस की हैं। आगे लिखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी अभी देखते हैं। आपके पास ये रहा एक सोलेनोइड, इस तरह का एक रेडियस आर, तार अपन ने बेटा रैप कर रखे हैं,
स्मॉल एन इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तार बड़ा ऐसे है, करंट गया ऐसे, करंट निकला ऐसे, ठीक है। मुझे ना यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ऐसा पॉइंट जो यहां से L1 डिस्टेंस दूर हो और इस एंड से L2 डिस्टेंस दूर हो, यहां से L1, यहां से L2। आई हैव ए प्लान, सुनना बच्चों, आई हैव ए प्लान। मेरे पास से मैं काम करता हूं, यहां से है ना मैं x डिस्टेंस दूर जाता हूं और एक छोटा सा कट लगाता हूं dx विड्थ का, बड़ा बहुत छोटा कट लगाया है, बहुत छोटा कट लगाया है, डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिख गया होगा। इस कट के अंदर कुछ लूप्स होंगे, करंट कैरिंग लूप्स होंगे, जिनकी संख्या होगी n इंटू dx। n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ। ये लेंथ कितनी है? dx, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? n dx। अब आप कह सकते हो कि सर यहां पर है ना कुछ लूप्स हैं और इन लूप्स के लिए, करंट कैरिंग लूप्स हैं और इन लूप्स के लिए ये वाला पॉइंट जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये वाला पॉइंट इस लूप के लिए तो एक्सिस पे है। लूप है जिसमें करंट जा रहा है ऐसे, और अगर करंट जा रहा है ऐसे तो इसके लिए ये वाला पॉइंट P जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक्सिस पे, और करंट जा रहा है ऐसे तो मैंने हाथ घुमाया ऐसे, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। तो इन लूप्स के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। लूप है कम, पूरा तो है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी छोटी सी, जैसे मेरे को डीबी लिख दिया, जिसको मैंने डीबी लिख दिया। काश मैं ये डीबी लिख पाऊं तो मजा आ जाए। तो आप बोल सर कोई दिक्कत नहीं है, डीबी विल बी, याद करो याद करो याद करो, लूप के कारण एक्सिस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स थे। अरे यार रिंग के कारण, सॉरी करंट कैरिंग वायर के कारण, करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकाली थी उसमें म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर में एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स थे, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स है n इंटू डी एक्स। यहां पर तो जो n था तो नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ था, तो म्यू नॉट n i रेडियस का स्क्वायर, म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स रेडियस का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड मैंने सिर्फ इनकी वजह से निकाला है, इनकी वजह से मैं निकालूंगा, इनकी वजह से मैं निकालूंगा, इनकी वजह से मैं निकालूंगा, इनकी वजह से निकालूंगा, इनकी वजह से निकालूंगा, इनकी वजह से निकालूंगा। सर इनकी वजह से निकालो, डायरेक्शन उल्टी नहीं पड़ जाएगी? नहीं, सेम रहेगी। अगर करंट यू है तो इनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इस पॉइंट के जो इधर वाले हैं उनमें भी करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो सेम है। तो आप कह सकते हो कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, दैट इज म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, आई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, आई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, टू बाहर, और सिर्फ मेरे पास इंटीग्रेशन में बच गया है डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और x की वैल्यू को मैं कहां से कहां तक वेरी करने वाला हूं? बेटा मैं x की वैल्यू को वेरी करने वाला हूं माइनस L1 से प्लस L2, इधर वाले x नेगेटिव, इधर वाले x पॉजिटिव, जैसे हम अक्सर करते हैं। तो मैं करने वाला हूं माइनस L1 से L2। कितना बढ़िया है, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, हो सकता है बड़ा केलों को वाला इंटीग्रेशन पहले से आता हो, आता हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अभी कर देता हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? किसका इंटीग्रेशन? dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। x को एक बार के लिए r tan थीटा रख दो, सब्स्टिट्यूशन। अगला स्टेप डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन dx, r तो बड़ा कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन विल बी sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, इसको रखा तो आ गया r
sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज आर स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 3/2 मेरे ख्याल से आ गया है आर क्यूब sec क्यूब थीटा, मेरे पास ये आ गया है 1/r² sec स्क्वायर कैंसिल cos थीटा डी थीटा। बड़ा मेरे ख्याल से cos थीटा का इंटीग्रेशन आता है sin थीटा, लेकिन हम आंसर sin ब्रैकेटर में थोड़ी छोड़ेंगे। बड़ा मैं तो x में लिख रहा था, तो tan थीटा की वैल्यू देखना, अगर ये थीटा है tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन रेस, sin थीटा अगर निकालना हो तो 1/r² sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये है। बढ़िया, हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है म्यू नॉट एन आई बाई टू, बड़ा आर स्क्वायर तो कैंसिल, एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, माइनस एल वन से प्लस एल टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू, एक्स को एल टू रखा तो एल टू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल टू का स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर वन रखो, सॉरी माइनस एल वन रखो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एल वन अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस माइनस एल वन का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो वापस एल वन का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है। सोलेनोइड के अंदर वाले पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का अगर फॉर्मूला याद करना है तो आप ये याद कर सकते हो, हालांकि हम इसको थोड़ा सा और इजी करेंगे, बेटा हम इसको और इजी कर लेंगे, चिंता वाली बात ही नहीं, हम इसको और आसान कर लेंगे, कोई इतना टफ टास्क नहीं है। बट एक बार के लिए मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास जो फॉर्मूला है वो आ गया है म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू ब्रैकेट में L2 अपॉन रूट ऑफ L2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L1 अपॉन रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर। सो किसी भी सोलेनोइड के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो ये, एंड याद रखिए बच्चों N क्या है, नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। L1 L2 तो क्या था जानते हो, L1 बड़ा इधर वाला डिस्टेंस, L2 इधर वाला, वही की बात है, डिस्टेंस। नाउ जो फॉर्मूला याद करना है वो सुनिए बेटा, हमने वैसे तो कर लिया याद सब कुछ, ये सोलेनोइड है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, रेडियस है आपकी आर, ठीक है, करंट आई है, करंट यहां से आई आया है, यहां से करंट गया है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो यहां से L1 डिस्टेंस दूर है और यहां से L2 डिस्टेंस दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कोने में एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है इसको अल्फा लिख दो, और इस कोने ने एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है उसको बीटा लिख दो, लिख दिया। अब कहो कि मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई बाई टू एल टू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल टू का स्क्वायर, एल टू अपॉन रूट ऑफ, बेटा अगर ये एल टू है ये आर है तो ये रूट ऑफ आर टू का स्क्वायर प्लस एल टू का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से ये आ गया कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस एल वन अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल वन अपॉन रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल वन का स्क्वायर, अगर ये आर है ये एल वन है तो ये डिस्टेंस आएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल वन का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा,
ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको याद करने के मुकाबले इसे याद करना थोड़ा सा आसान है। आसान तो देख ही रहा होगा, इसके मुकाबले तो आसान ही लग रहा होगा, है ना? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, ये फॉर्मूला बढ़िया है, याद रखें, बड़े आराम से हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। सुनिए बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट, ये आपके पास कोई सोलेनोइड, इस सोलेनोइड का बड़ा रेडियस, आप तो बड़ा ठीक है, सॉल्व वर्क करने की जरूरत नहीं है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां कहीं निकालना है, ये डिस्टेंस बड़ा आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस आपके पास 20 सेंटीमीटर है, करंट बड़ा ऐसे आ रहा है, करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर और टाइटली रैप्ड इस तरह से, और इस तार की जो थिकनेस है वो मुझे गिवन है, तार की थिकनेस मुझे गिवन है 4 मिलीमीटर, यहां कहीं कोई पॉइंट है पी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बताएंगे। आई गिवन है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालो। सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो सवाल में दी हुई नहीं है, बड़ा दे रखा है, थिकनेस अगर दे रखी है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो आए जाएंगे। आप सीधा कह सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी 1/T, दैट इज 1/4 मिलीमीटर, बड़ा मिलीमीटर को पहले ना मीटर में लिखो, तो मेरे ख्याल से 250 टर्न्स आ गए हैं पर मीटर, 250 टर्न्स पर मीटर। अब तो बड़ा ठीक है, वैल्यू चटनी है, आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट एन आई, एन इज 250, करंट इज 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बड़ा देखिए, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा इज 10 अपॉन दिस, वी नो दैट कि दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 5, ऑफ कोर्स दिस इज रूट ऑफ 125, सो कॉस अल्फा इज 10 अपॉन रूट 125, तो 10 अपॉन रूट 125 प्लस। सर इसमें सेंटीमीटर मीटर का ध्यान नहीं दे रहे क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा बेटा है तो उसकी वो तो यूनिटलेस होती है, डायमेंशनलेस होती है, है ना? ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। अगला क्या है? कॉस बीटा, कॉस बीटा, कॉस बीटा इज ऑफ कोर्स, कॉस बीटा इज ऑफ कोर्स, बेटा बोलना, cos beta is of course base is 20 upon a hypotenuse, if this is 20 this is 5, this will be root of 20 ka square plus 5 ka square, 20 ka square is 400, 400 plus 25 is root 4 to 5, this is your answer। सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, म्यू नॉट की अगर वैल्यू अगर रखना चाहो तो 4π × 10⁻⁷ इन SI यूनिट। समझ गए बच्चों इस बात को? इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैं इस पॉइंट को एक बार लेट से क्यू बोल देता हूं कि इस क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, निकाल देते हैं क्यू पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, सोचते हैं बेटा।
क्यू वाला पॉइंट तो यहां पर है, तो इधर वाले एंड ने एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, ये तो हो गया अल्फा, और इधर वाले एंड ने एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, ये हो गया बीटा। बीटा तो दिख ही रहा है कितना आएगा, 90। ठीक है, यहां कोई पॉइंट होता तो ये आपका अल्फा होता, ये आपका बीटा होता, यहीं पहुंच जाओगे तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सीधा परपेंडिकुलर आएगा, तो बीटा की वैल्यू तो 90 आएगी। कोई मुझसे पूछे कि सर इस क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू विल बी म्यू नॉट एन आई अपॉन टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कॉस 90 इज ऑफ कोर्स जीरो, सिर्फ कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है कितना बेटा 10, ये 20, ये बेस तो हो गया 30 अपॉन हाइपोटेनस, ये 30 है, ये 5 है, तो ये है रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर इज 925 और रूट ऑफ 925, इनको सेंटीमीटर में लिखने में दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम किसी पॉइंट पर बड़े आराम से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में बेटा हम लोग है ना आइडियल सोलेनोइड वगैरह पढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और तब तक आप एक काम कर सकते हो, एच सी वी के अंदर शायद पार्ट टू में बेटा चैप्टर नंबर 35 होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ऐसे कुछ नाम होगा, उसमें आप चाहो, आपकी इच्छा हो तो क्वेश्चन नंबर 2 to 25 कर सकते हो, 2 से 25 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 25।